जय हिंद दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे श्री वशिष्ठ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों बात करेंगे करंट अफेयर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर जिसमें आपका आज का जो टॉपिक है वो है पेंगुलिन दोस्तों हाल ही में नोएडा से पेंगुलिन जीव को रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद इसे वन विभाग को सौंप दिया गया अब चूंकि न्यूज़ में चर्चा का विषय रहा करंट अफेयर का विषय रहा इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं पेंगोलिन के बारे में यदि जानना चाहें दोस्तों तो याद रखेंगे कि विश्व में इसकी लगभग आठ प्रजातियां मिलती कितनी प्रजातिया मिलती है? प्रजातिया मिलती हैं हैं कितनी प्रजातियां प्रजातियां इन आठ प्रजातियों में से इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन जो है वो भारत में पाए जाते हैं पेंगोलिन जो होता है दोस्तों एक बहुत बड़ा चीटीखोर जानवर है जिसकी पीठ पर शल्कनुमा संरचना होती है जो ग्यारह से तेरह पंक्तियों में होती है इसका आहार दोस्तों याद रखें तो कीटभक्शी है ये

पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को छोड़कर मतलब इन तीन क्षेत्रों को छोड़ दिए तो बाकी जो शेष भारत है वहां पर ये बड़े पैमाने पर मिलता है इसके अलावा यदि हम बात करें तो बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल और श्रीलंका में भी पेंगोलिन की प्रजातियां हमें देखने को मिलती है ठीक है दोस्तों अच्छा पेंगोलिन के बारे में यदि हम बात करें तो भारत में जो पेंगोलिन मिल रहा है इंडियन पेंगोलिन उसको एक प्रकार से हम खतरा देख रहे हैं एक्चुअल में जो पेंगोलिन है उसके पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चीन में वियतनाम में मांस और बोल सकते हैं कि इसका स्थानीय उपयोग जैसे प्रोटीन और आ दवा के रूप में इन सब चीजों के उपयोग के लिए इसका बहुत बड़े पैमाने पर अवैध शिकार होता है और चूंकि इसका अवैध शिकार हो रहा है तो इसके कारण ये विलुप्त होने के कगार पर आ गया अभी बहुत कम मिलते हैं तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनके संरक्षण की बोल सकते हैं कि आवश्यकता महसूस की जा रही है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे स्तनपाई जानवर है जिनकी बड़ी मात्रा में अवैध व्यापार किया जाता है बहुत बड़े मात्रा में इनका अवैध व्यापार किया जाता है अब इनके संरक्षण की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा कि जो आई होता है आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है उसने अपनी रेड लिस्ट में इसको शामिल किया हुआ है रेड लिस्ट में शामिल करने के बाद यदि हम देखें तो ये जो है ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है संकटग्रस्त प्रजाति में आता है कौन सा इंडियन पेंगोलिन तो इंडियन पेंगोलिन तो दोस्तों संकटग्रस्त प्रजाति है लेकिन यदि हम बात करते हैं चीनी पेंगोलिन

शरीर के अंगों इनसे जुड़ी किसी भी वस्तु का यदि आप बोल सकते हैं उपयोग करते हैं तो आप नहीं कर सकते मतलब इन सभी पर इस अधिनियम के तहत तो प्रतिबंध लगा दिया अगर इसके बावजूद इसका कोई अवैध शिकार करता है तो उसे साल तक की जेल की सजा हो सकती है क्योंकि वन्य जीव अधिनियम की धारा के तहत अधिकतम सुरक्षा क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है तो ये बात हमने की है पेंगुल के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है चलो अगला आपका जो टॉपिक है वो है कुथिरन सुरंग दोस्तों कुथिरन सुरंग जो है वो केरल राज्य के त्रिशूर जिले में है इसे ट्विन ट्यूब सुरंग भी कहते हैं और यह सड़क परिवहन के लिए केरल राज्य की पहली सुरंग मानी जाती है याद रखेंगे लगभग एक दशमलव सोलह किलोमीटर लंबी यह सुरंग जो है वो पीची वाजहानी वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है कौन सा पीची वाजहानी वन्यजीव अभ्यारण जो है वो केरल में याद रखेंगे अगला आपका टॉपिक है ई रूपी दोस्तों ई तो रूपी जो है वो एक व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है क्या है ये डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन याद रखेंगे जिसमें कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिए जाने की बात की जा रही है ठीक है चलिए आगे हम बात करें तो अगला आपका टॉपिक है भारत में तेंदुओं की संख्या दोस्तों जब भारत में तेंदुओं की संख्या की बात करते हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने 29 जुलाई को 2021 को विश्व बाघ दिवस जो है वो भी आयोजित किया था अब विश्व बाघ दिवस यदि हम मनाते हैं तो यहाँ पर विश्व बाघ दिवस के दिन ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तेंदुओं सह पर भक्शियों और शाकभक्शियों की स्थिति जानने की कोशिश की और इसको जानने के लिए जो स्थिति रिपोर्ट 2018 है उसको भी जारी किया अब इसकी जो रिपोर्ट 2018 थी उसके अनुसार यदि हम बात करते हैं तो तेंदुओं की जो संख्या है वो 2014 से 18 के बीच में कितनी तिरसठ प्रतिशत के आसपास बढ़ गई है 2014 में ये संख्या जहां 7910 थी वहीं 2018 में ये संख्या बढ़ के बारह के आसपास हो गई है यदि हम बात करें तो सर्वाधिक संख्या में तेंदुए मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में लगभग तीन हजार चार सौ इक्कीस तेंदुए मिलते हैं मतलब तेंदुओं की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश भारत में अव्वल है इसके बाद कर्नाटक में एक हजार सात सौ तेरासी और महाराष्ट्र में सोलह सौ नब्बे तेंदुए मिलते हैं ये आपको याद रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा तेंदुए किस राज्य में मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं मध्य प्रदेश में मिलते हैं ठीक है चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों इसी में कि तेंदुओं किस प्रकार का जानवर है दोस्तों तो तेंदुए का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथरा पर पैंथरा प्रदूष इसका नाम है और इसे संवेदनशील वनरेबल सूची में शामिल किया है रेड लिस्ट की ठीक है तेंदुए की नौ प्रजातियां हैं और इन नौ प्रजातियों को यदि हम बात करते हैं तो पूरे अफ्रीका में और एशिया में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती ठीक है चलिए अगला टॉपिक है आपका जीका वायरस दोस्तों जीका वायरस की यदि हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से जीका वायरस बहुत बड़े लेवल पर था लेकिन हाल ही में कोरोना वायरस का जब प्रकोप देखा गया तो बाकी दूसरे वायरस जो इनको लेकर ज्यादा हम सुनने में नहीं आ रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ना कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है तो दूसरे वायरस सक्रिय नहीं है यहाँ पर हाल ही में महाराष्ट्र के पूना जिले में महाराष्ट्र के पूना ज़िले में जीका वायरस का पहला मामला देखने को मिला है इसका मतलब ये है कि कोरोना के इस दौर में दूसरे वायरस जो है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हैं और संक्रमण कर रहे हैं यदि जीका वायर जीका वायरस के बारे में जानना चाहें दोस्तों तो याद रखिएगा कि ये मुख्य रूप से एडिस प्रजाति के मच्छरों से होता है एडिस प्रजाति के जो मच्छर है इनमें मुख्यतः एडीज इजिप्टी जो मच्छर है ये फैलाता है जीका वायरस एडिस मच्छरों की वजह से दोस्तों डेंगू भी होता है चिकनगुनिया भी होता है पीला बुखार भी होता है तो ये सारे के सारे जो बुखार है वो एडीज मच्छर से ही होते हैं और सबसे पहले ये बात करें तो 1947 में यह बंदरों में देखा गया था कहाँ देखा गया था दोस्तों बंदरों में देखा गया था मतलब ये नया वायरस नहीं है पुराने समय से चला रहा वायरस है जो हाल ही में एडिस प्रकार के मच्छरों से संक्रमित फैलाया जा रहा है यदि हम संक्रमण की बात करें दोस्तों जहां हमने बोला कि मच्छरों से संक्रमण होता है लेकिन इसके अलावा भी इसके संक्रमण के दूसरे स्रोत हैं जैसे कि, कि किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा भी ये फैल सकता है जीका वायरस जो है किसी गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में यौन संपर्क से रक्त एवं रक्त उत्पादों के आदान प्रदान से अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैल सकता है इसका मतलब जीका वायरस के फैलने के बहुत सारे स्रोत है तरीके हैं यदि हम बात करें कि भाई जिसको भी जीका वायरस से संक्रमण हो जाता है तो उसको किस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो याद रखना है कि जीका वायरस से जो भी संक्रमित व्यक्ति रहेगा उसको आमतौर पर बुखार होगा शरीर में दाने होंगे आंखों में जलन होगी सूजन होगी और कहीं ना कहीं बोल सकते मांसपेशिया और जोड़ों में दर्द होता है सिर दर्द होता है क्लियर दो से सात दिनों तक यह लक्षण जो है वो दिखते हैं इसके अलावा कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि लोगों को कोई लक्षण दिखाई नहीं भी देते हैं मतलब कई कई लोगों को लक्षण दिखते भी नहीं लेकिन उनको जीका वायरस हो जाता है जब गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के संक्रमण से शिशु जो होता है उसको माइक्रोसेफली नाम की बीमारी हो जाती है ये माइक्रोसेफली जो है इसके अंतर्गत जो शिशु है उसका सिर का आकार जो है वो बहुत छोटा हो जाता है और उसमें कई सारी जन्मजात विकृतियां बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। इसको जन्मजात जीका सिंड्रोम भी कहते हैं क्या कहते हैं जन्मजात जीता जीका सिंड्रोम भी कहा जाता है जीका वायरस का अभी तक दोस्तों कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है डब्ल्यू ने इस बीमारी से शीघ्र ठीक करने के लिए दर्द और बुखार की दवाओं के साथ साथ बहुत सारे तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी यदि आप इन लिक्विड फॉर्म में इनको खाते हैं पीते हैं तो कहीं ना कहीं जीका वायरस से आप बच सकते हैं तो ये जीका वायरस का भी हमने बात किया तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में करंट अफेयर के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा करंट अफेयर के लेक्चर से जुड़े रहने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल चैनल के लिंक को शेयर कीजिए बेल आइकन को दबाइए जैसे ही कोई नया लेक्चर डलता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलने लगेगा ठीक है तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर से धन्यवाद बहुत बहुत